अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब। आज आपके पास जो है वो मैट्रिक का यूनिट 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड आपके पास जो है न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। और आपके पास इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर मोस्टली फोकस आपके पास किया जाएगा कि आपके पास किस तरह से एक्चुअली जो है वो हाफ लाइफ के ऊपर मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपके पास जो है वो कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो किस तरह से आपके पास हाफ लाइफ अगर करता है और किस तरह से आपके पास जो है वो हाफ लाइफ अगर होने के बाद उसकी रिमेनिंग फ्रैक्शंस को कैलकुलेट किया जाएगा। और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जो है यहाँ पर ऐसी चीजें भी हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर हम जो है आपके पास उसकी हाफ लाइफ ही एक्चुअली में फाइंड आउट करके बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास क्या कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 1617 इज 7.3 सेकंड। आपके पास एक हाफ लाइफ एक है नाइट्रोजन की जो कि 7.3 सेकंड्स है। मीन टू से कि हर 7.3 सेकंड के बाद आपके पास नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो एक्चुअली उसकी 50% हो जाएगी, ठीक है, 7.3 सेकंड्स के बाद। A sample of these nucleide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. 29.2 seconds तक इसको observe किया गया आपके पास कि आप इसको continuously 29.2 seconds तक इसको observation में रखा और इस 29.2 seconds के अंदर आपके पास 7.3 seconds repeatedly आपके पास occur हुए। It means कि आपके पास वहाँ पर half life जो है वो आपके पास occur हुई है multiple times। तो हम कहते हैं calculate the fraction। हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर क्या करनी, फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर इन दिस टाइम, यानी कि उस टाइम के बाद आपके पास उसकी कितनी फ्रैक्शन रह जाएगी हमने एक्चुअल में वो फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पर फिल्टर आउट कर लेते हैं। आपके पास जो हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है वो आपके पास 7.3 सेकेंड्स है और आपके पास टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास जो है वो कितनी गिवन है 29.2 सेकंड, यानी कि 29.2 सेकंड्स तक इसको ऑब्जर्व आपके पास किया गया। हमने यहां से जो फाइंड आउट करना है जो फैक्टर है, फाइंड आउट करने वाला फैक्टर हमारे पास क्या है, रिमेनिंग फ्रैक्शन हमने यहां से फाइंड आउट करनी है कि आपके पास 29.2 के बाद आपके पास जो उसकी फ्रैक्शन रिमेन कर जाएगी, जो बच जाएगी वो एक्चुअली कितनी होगी। तो वो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल का सोल्यूशन यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी होंगी। यहाँ पर एक हाफ लाइफ तो 7.3 सेकंड्स की है, बट 29.2 सेकंड में कितनी दफा ये हाफ होगा, कितनी दफा आपके पास ये हाफ लाइफ्स अकर होंगी एक्चुअली में वो वहां पर फाइंड आउट करना है। सो आपके पास देखते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आपके पास जो होंगी, एक टोटल टाइम जो ऑब्जर्वेशन है वो 29.2 सेकंड्स का है जबकि इसको एक हाफ लाइफ जो वो 7.3 सेकंड्स की है। तो अगर हम 29.2 को यानी कि टोटल टाइम 29.2 है और एक हाफ लाइफ आपके पास 7.3 सेकंड्स की है तो एज ए रिजल्ट आपके पास कितनी दफा यहाँ पर जो है हाफ लाइफ अगर होगी हम यहाँ से डिवाइड करके वो कैलकुलेट आपके पास कर सकते हैं। तो अगर इसका कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो इसकी हाफ लाइफ बनती है वो आपके पास है 4, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास कितनी आ गई है, 4 हाफ लाइफ्स आपके पास होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4। अब हमें इस चीज का पता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आपके पास जो उसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी उसका हाफ रह जाएगा और इस तरह से हर जब एक हाफ लाइफ अकर होती जाएगी तो इट मींस कि उसकी प्रीवियस फ्रैक्शन का नेक्स्ट दोबारा हाफ हो जाएगा, फिर जो फ्रैक्शन बची होगी उसका अगेन आपके पास क्या होगा, हाफ आपके पास रिमेन कर जाएगा। सो हम यहां पर क्या कहते हैं कि रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद उसकी कितनी फ्रैक्शन बच जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट जो है वो एन नॉट है, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट जो है ओरिजिनल अमाउंट ऑफ आगे पास जो रेडियो एक्टिव जो भी आगे पास आइसोटोप यहाँ पर जो एक आगे पास नाइट्रोजन 1617 है वो आगे पास लेट्स सपोज मैंने कह लिया हमारे पास एन नॉट क्वांटिटी में गिवन है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ जब होगी तो उसका ओरिजिनल अमाउंट का क्या हो गया, हाफ। तो अब अगर हम सेकेंड हाफ लाइफ की बात करें, मीन टू से रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, तो प्रीवियस हमारे पास जो है 1/2 मौजूद था तो दोबारा इसका कितना हो जाएगा,
अगेन हाफ, जो कि एक्चुअली कितना बन जाएगा 1/4 ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ कितनी होगी, प्रीवियस हमारे पास 1/4 एन नोट है, अगेन हमारे पास जो है उसकी क्या हो गई है हाफ, तो अगेन जब हाफ हो जाएगी तो हमारे पास जो रिमेनिंग फ्रैक्शन बचेगी वो कितनी हो जाएगी 1/8 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, ओके। हमने कितनी हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, हमने यहाँ से 4 हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ ऑलरेडी उसकी फर्स्ट जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट होगी उसका हाफ रह जाएगा, सेकेंड हाफ लाइफ में जो पीछे अमाउंट हमारे पास बच गई थी उसका अगेन क्या कर दिया हाफ कर दिया, ठीक है, जो कि ओवरऑल कितना बन गया 1/4। उसके बाद जब थर्ड हाफ लाइफ देखी तो हमारे पास जो प्रीवियस अमाउंट यानी कि 1/4 एंड नोट जो बची हुई थी उसका गेन क्या हो गया हमने हाफ कर दिया, ठीक है, जो कि एक्चुअली कितना बन गया 1/8। एक्चुअली ये 1/8 वैल्यू बड़ी नहीं हो रही, ये कंटिन्यूअसली आपके पास डिक्रीज करती जा रही वैल्यू, ओके, ये आप याद रखिएगा। सो आपके पास जो रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ जो होगी वो आपके पास क्या होगी, जो प्रीवियस हमारे पास 1/8 ऑफ एंड नोट बचा उसका गेन क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास कितनी फ्रैक्शन बच जाएगी इसकी 1/16th एन नोट, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट का 1/16th आपके पास पार्ट्स होगा वो रिमेनिंग बच जाएगा आफ्टर 4 हाफ लाइफ। मीन टू से का आपके पास 29.2 सेकंड्स में आपके पास 4 हाफ लाइफ अगर होंगी जो कि 7.3 सेकंड्स की ईच होगी, और आपके पास 4 हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ आपके पास जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट होगी उसको हाफ कर देगी, सेकेंड हाफ लाइफ जो होगी उसके पास क्या करेगी हाफ का गेन हाफ कर देगी, उस आपके पास हाफ करते करते आपके पास जो फ्रैक्शन आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ आपके पास कितनी बचेगी 1/16th। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक्चुअली वो भी प्रीवियस न्यूमेरिकल से काफी हद तक मिलता जुलता ही है, कॉन्सेप्ट आपके पास दोनों न्यूमेरिकल का सेम ही है, और बस यहाँ पर आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप चेंज हुआ जिसकी वजह से आपके पास उसकी हाफ लाइफ भी चेंज हो गई और यहाँ पर आपके पास टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपके पास जो है वो चेंज हुआ है। सो आपके पास यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो गिवन है वो कोबाल्ट 60 है, इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 इयर्स, की हाफ लाइफ हमारे पास 5.25 इयर्स की गिवन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर, यानी कि टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास जो है वो 26 ईयर्स का है, तो आप उस सैंपल को जो ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वो 26 ईयर्स तक आप उसको ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल, और उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका जो डेटा हमारे पास गिवन है पहले वो सॉर्ट आउट करते हैं कि आपके पास सबसे पहले तो हाफ लाइफ जो गिवन है, हाफ लाइफ हमारे पास 5.25 ईयर्स गिवन है, और टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है वो जो है वो आपके पास कितना गिवन है 26 ईयर्स, ओके। तो हमने यहां से फाइंड आउट जो करना है, अगेन हमने रिमेनिंग फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करनी है, क्या कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल, ठीक है। सो हम यहां पर क्या अगेन फाइंड आउट करने जा रहे हैं रिमेनिंग फ्रैक्शन, ओके, अगेन हम वही रूल फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास जो है वो कितनी अगर होने जा रही है 26 ईयर्स में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ आपके पास हाफ लाइफ कितनी होंगी, कि आपके पास 26 ईयर्स में 5.25 आपके पास जो है वो एक हाफ लाइफ है, तो जिसको हम 26 ईयर्स तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपके पास जो है वो कितनी फ्रैक्शन बचेगी, जो कि एक्चुअली आपके पास कितनी बनती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास कितनी बनती है 5, ठीक है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या 26 होगा, 5.25 से डिवाइड करेंगे आपके पास 6 ही आता है, 5 ही आता है, ओके। तो इट मींस कि यहां पर हमने पिछले न्यूमेरिकल में आपके पास 4 हाफ लाइफ्स को कैलकुलेट किया गया था, अब यहां पर हम जो है 5 हाफ लाइफ्स को कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से, ठीक है। तो क्या करेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, यानी कि उसकी ओरिजिनल अमाउंट का तो हाफ हो गया, ओके। सेकेंडली रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ आपके पास कितनी होगी, जो रिमेनिंग फ्रैक्शन पहले 1/2 बच चुकी थी उसका दोबारा क्या कर देंगे हाफ, जो कि एज ए रिजल्ट 1/4 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट बनती है, ओके। थर्डली आपके पास रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, ओके, तो प्रीवियस फ्रैक्शन आपके पास 1/4 बची थी ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, इसका हमने अगेन क्या कर देना है हाफ, जो कि एज रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 1/8 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट और द ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। अगेन रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर आपके पास फोर्थ हाफ लाइफ, आपके पास प्रीवियस अमाउंट जो 1/8 बच चुकी थी उसका अगेन क्या हो जाएगा हाफ, जो कि एज रिजल्ट कितना बन जाएगा 1/
16 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट. अगेन आपके पास हमने अब कैलकुलेट करनी है फिफ्थ हाफ लाइफ. ओके, तो फिफ्थ हाफ लाइफ में हमारे पास जो प्रीवियस अमाउंट बची थी जो कि 1 ओवर 16 थी, उसका अगेन हमने क्या कर दिया, हाफ कर देंगे. तो आपके पास कितना बन जाता है, 1 ओवर 32 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट दैट इज गिवन टू यू. ओके, तो इस न्यूमेरिकल में हमने देखा कि आपके पास किस तरह से आपके पास जो है न्यूमेरिकल्स हैं, आपके पास जो रेशियो है वो आपके पास वेरी करती है. आपके पास 26 इयर्स में आपके पास जो है वो कितनी हाफ लाइफ 5.25 इयर्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो होनी है वो अगर होनी है. तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल. स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 इयर्स. आपके पास हाफ लाइफ यहां पे गिवन है कार्बन 14 की. वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी की. वो कहता है कि आप बताएं कि कितना टाइम लगेगा, हाउ मच विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, उसको कितना टाइम लगेगा आपके पास कि उसका जो फ्रैक्शन ड्रॉप है वो आपके पास 1/8 तक आ जाए. यानी कि उसका ओरिजिनल सैंपल अगर आपके पास मीन टू से कि अगर आपके पास 1000 ग्राम अगर आपके पास है, तो वो कह रहे हैं कि बताएं कितना टाइम लगेगा वो 1000 का 8th पार्ट आपके पास जो है वो रिमेनिंग फ्रैक्शन में आपके पास रह जाए. तो वो एक्चुअली टाइम हमने आपको बताना है, जबकि फर्स्ट हाफ लाइफ यानी कि एक हाफ लाइफ जो है वो आपके पास 5730 इयर्स की है. तो आपके पास फ्रैक्शन ड्रॉप आपके पास पहले होगा तो फर्स्ट हाफ होगा, उसके बाद जो अगेन हाफ होगा तो 1/4 हो जाएगा, फिर हाफ करेंगे तो 1/ आपके पास कितना हो जाएगा 8th. यानी कि वो हमें फाइंड आउट करना है कि आपके पास किस तरह से 1/8 तक आते आते आपके पास कितनी हाफ लाइफ जो होंगी वो कार्बन 14 में आपके पास जो होगी वो अकर होने वाली है. तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास डेटा हम यहां से सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है कार्बन 14 की हाफ लाइफ गिवन है, ठीक है, जिसको हम टी हाफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपके पास 5730 इयर्स है. ओके, और नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शनल ड्रॉप, वो कह रहे हैं कहां तक आना चाहिए इसका, यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी का आपके पास कितना हिस्सा रह जाना चाहिए, 1/8 पार्ट. ओके, सो हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करने वाला फैक्टर आपके पास जो एक्चुअली यहाँ पर है वो आपके पास ये है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम टेकर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास कितना हो जाए, 1/8 आपके पास वो रिमेनिंग बच जाए. तो आपके पास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास 1/8 जो फ्रैक्शन ड्रॉप है वो आपके पास कितनी हाफ लाइफ के बाद जो है वो अकर होने वाला है. तो देखते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट हाफ लाइफ जो होगी, रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हम लिख लेते हैं अगेन, जो कि हमने पिछली न्यूमेरिकल्स के अंदर भी फॉलो कर रहे हैं, रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ आपके पास कितना है वो आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी का कितना हो जाएगा हाफ, और ओरिजिनल अमाउंट को मैं एंड नोट से प्रेजेंट कर देता हूं. सो अगेन रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ आपके पास क्या हो जाएगी, यानी कि उसकी जो ऑलरेडी जो अमाउंट बच चुकी थी उसका अगेन क्या कर देंगे हाफ, जो कि आपके पास 1/4 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट आपके पास बच जाता है. फर्दर अगर हम आगे चलें, रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर आपके पास जो है थर्ड हाफ लाइफ जो है वो आपके पास जो पिछली अमाउंट बची थी यानी कि 1/4 जो ओरिजिनल अमाउंट था, अब उसका अगेन क्या होने जा रहा है हाफ, और अब हम देख सकते हैं कि आपके पास ओरिजिनल अमाउंट का 1/8 फ्रैक्शन आपके पास रिमेनिंग बच जाती है कितनी हाफ लाइफ के बाद, थर्ड हाफ लाइफ के बाद. सो हम यहां पर बोलेंगे सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ यू कैन से हाफ लाइफ इन रीचिंग 1/8 फ्रैक्शन कितनी है, 3 हाफ लाइफ है. और अगर एक हाफ लाइफ आपके पास 5730 इयर्स की हो तो 3 हाफ लाइफ आपके पास कितनी होंगी, हम सिंपल क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो टाइम टेकन आपके पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी हाफ लाइफ से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5730 years, जो कि आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो कितना बनता है, कैलकुलेट अगर हम इसको करें तो ये आपके पास बनता है 171,90 years, यानी कि 17,190 years आपके बाद जो है आपके पास जो है उस कार्बन 14 का 1/8
फ्रैक्शन रिमेन कर जाएगा आपके पास, यानी कि उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी का एट्थ पार्ट आपके पास जो है वो रिमेन कर जाएगा, अगर आपके पास उसकी हाफ लाइफ जो है 5730 ईयर्स आपके पास हो तो। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहां पर जो आपके पास अवेलेबल है वो कहता है टेक्नीटियम 99 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इज यूज्ड टू डायग्नोज ब्रेन थायराइड लीवर एंड किडनी डिजीज। ये सिंपल आपको एक कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ताकि आप जो है वो स्टेटमेंट देकर थोड़ा सा एक घबरा जाएं, लेकिन आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना। तो एक्चुअली स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है, आपके पास दिस एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स, के आपके पास हाफ लाइफ जो है वो 6 आवर्स की है, एंड इफ देयर इज अ 200 mg ऑफ द टेक्नीटियम प्रेजेंट, यानी कि हमारे पास अमाउंट गिवन है उसकी के कितने ग्राम में हमारे पास गिवन है, यानी कि उसकी ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास यहां पर गिवन है, हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स, और 36 आवर्स के बाद आगे पास कितना ही उसके पास अमाउंट बच जाएगी हमने वो एक्चुअली यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां पर कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम यहां पे स्टेप बाय स्टेप आपके नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करते साथ-साथ हम साथ-साथ उसको कैलकुलेट कर लें उसका मास भी, कि अगर आपके फर्स्ट हाफ लाइफ है तो इट मींस कि 200 का हाफ हो जाए, फिर अगेन हाफ हो तो इट मींस कि 200 का हाफ यानी कि 100 का अगेन हाफ हो जाए, प्रोसेस ये चलता जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से सोल्व करवाता हूँ, ताकि आपको दोनों मेथड आपको आते हों जिसके थ्रू आप इनको सोल्व कर लें। ओके तो अगेन यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेटा निकाल लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ आपके पास जो है वो कितनी है, 6 आवर्स है। ओके और टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास जो है वो 36 है, ये उसने टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन दी 36, यानी कि टाइम जहां तक आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, 36 आवर्स है, ठीक है। और अमाउंट यानी कि ओरिजिनल अमाउंट इसकी जो है वो कितनी है, वो उसने गिवन की है आपके पास 200 ऑफ mg। हमने यहां से फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच विल बी लेफ्ट, यानी कि कितनी रह जाएगी, यानी कि अमाउंट या फ्रैक्शन आफ्टर 36 आवर, हमने यहां से फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फाइंड आउट हम यहां से करने जा रहे हैं, यानी कि रिमेनिंग फ्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं उसको मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देता हूं, शो कर देते हैं यहां पर रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग क्वांटिटी, उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कैपिटल एन से, ठीक है। और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था हाफ लाइफ के टॉपिक में, वो कुछ इस तरह से था कि आपके पास रिमेनिंग फ्रैक्शन जो होगी हाफ लाइफ की, यहाँ कुछ स्पेशल हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो आपके पास था एन मल्टीप्लाई बाय एन नॉट इंटू 1/2 रेस्ट टू पार टी। अब यहां पर जो स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यहाँ पे आपके पास स्मॉल टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं, कि आपके पास कितनी हाफ लाइफ जो होंगी वो अकर होने वाली है 36 आवर्स के अंदर अकॉर्डिंग टू पर हाफ लाइफ ऑफ 6 आर। तो हम यहां पर देखते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आपके पास कितनी होंगी, टोटल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन 36 है जबकि एक हाफ लाइफ आपके पास 6 आवर्स की है, तो टोटल हाफ लाइफ्स आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी होने वाली है, 6 हाफ लाइफ्स, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आपके पास कितनी हो गई है, 6। सो यहां पर हमारे पास जो रिमेनिंग फ्रैक्शन होगी वो ओरिजिनल अमाउंट यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेस टू पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेस टू पावर 6 आपके पास जो होता है वो तकरीबन अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो आपके पास बनता है 64। So, अगर हम 200 को 64 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन रिमेनिंग कर जाती है वो आपके पास जो है जो बचेगी वो होगी 3.125 मिलीग्राम। ये एक डिफरेंट मेथड था जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सोल्व करवाया, हम कुछ इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप, यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ हो तो 200 का हाफ किया जाए, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन हो तो सेकंड हाफ लाइफ के अंदर उसको दोबारा अगेन हाफ किया जाए, लेकिन वो काफी लंबा प्रोसेस चला जाना था क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो 6 है। तो दैट्स व्हाई हमने ये एक शॉर्ट मेथड भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया आपको, जिसकी वजह से आप जो है अगेन डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को इस तरह से भी हम सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये वो न्यूमेरिकल था जिसके अंदर हमारे पास जो है वो अमाउंट गिवन थी और उसकी हाफ लाइफ भी गिवन थी और नंबर ऑफ टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास गिवन था कि कितने टाइम तक उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप या एलिमेंट को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो आपके पास कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट्स। आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ 10 मिनट्स है। इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट्स पर मिनट, यानी कि आपके पास वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसकी अभी फिलहाल इनिशियली आपके पास
368 आपके पास उसके काउंट्स मौजूद हैं, यानी कि पर मिनट आपके पास के जो काउंट है आपके पास 368, यानी कि उसके पार्टिकल्स यू कैन से या यू कैन से कि आपके पास जो उसके अमाउंट जो है वो 368 काउंट्स है. फर्स्ट फॉर द फाइंड द टाइम फॉर विच द काउंट रेट रिचेज 23 काउंट्स पर मिनट. वो कहता है कि बताएं कितना टाइम लगेगा कि उसके काउंट रेट 368 से कम होकर कहां पर आ जाए 23 पर. अब जाहिर सी बात है हाफ लाइफ उसकी 10 मिनट्स की है, तो इट मींस कि हर 10 मिनट्स के बाद आपके पास जो है वो उसकी हाफ लाइफ जो है वो कम आपके पास होने वाली है. सो यहां पर आपके पास सबसे पहले जो डेटा जो गिवन है पहले हम वो निकाल लेते हैं कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे हाफ लाइफ है. हाफ लाइफ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की गिवन है वो आपके पास है 10 मिनट्स. उसके साथ साथ उसका इनिशियल काउंट रेट यानी कि उसकी जो इनिशियल क्वांटिटी है जिसको हम एन नोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं वो आपके पास क्या है 368 काउंट्स. ठीक है, और अब हमने फाइंड आउट यहां पर क्या करना है कि फाइंड आउट हम करने जा रहे हैं कि आपके पास टाइम टेकन टू रीच 23 काउंट्स. हमने 23 काउंट्स अब तक उसके रह जाएंगे, उस दौरान उसका कितना टाइम लगेगा वो हम नेचुरली यहां से फाइंड आउट आपके पास करना है. तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे कि आपके पास के 2368 से एक्चुअली उसके उसके पास 23 काउंट रेट्स बनने में आपके पास कितना टाइम लगेगा. सो फर्स्ट हाफ लाइफ या आपके पास काउंट रेट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, काउंट्स आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ कि आपके पास जो हाफ ऑफ थ्री जो 68 में अमाउंट हमारे पास गिवन है वो हाफ करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनती है हाफ करने के बाद 184, यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ के पास के जो काउंट रेट्स हैं वो हाफ हो जाएंगे और एग्जैक्टली कितने बच जाएंगे आपके पास 184. इसी तरह से आपके पास काउंट्स आफ्टर जो है वो सेकंड हाफ लाइफ आपके पास कितना हो जाएगा, अगेन हम हाफ कर देंगे किसका 184 का, तो आपके पास क्या बन जाएगा 92 काउंट्स पर मिनट आपके पास ये बन जाते हैं. ठीक है, इस तरह से आपके पास थर्ड हाफ लाइफ जो होगी उसमें हमारे पास जो काउंटेड्स होंगे 92 के अगेन क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे, तो आगे पास ये कितना बन जाता है 2 4 8 एंड 2 6 12. ओके, अब नेक्स्ट आगे पास जो है कितना टाइम लगेगा अगर फोर्थ हाफ लाइफ हो तो उसकी जो काउंट रेट्स हैं वो आगे पास हाफ ऑफ कितने हो जाएंगे अगेन 46 जो कि कितने बन जाते हैं 23. अब यही हमारा मेन टारगेट था कि आगे पास इनिशियल काउंट रेट उसके 368 थे, बट वो कह रहा था बताएं 23 काउंट रेट्स बचने में जब उसके बच जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, जबकि आपको पता है कि एक हाफ लाइफ 10 मिनट की है. तो यहां पे हमें कितनी हाफ लाइफ फेस करनी पड़ रही है कि उसका काउंट रेट 368 से डिक्रीज होकर कहां पे आ जाए 23 पर. तो 368 से काउंट रेट कम हो गए 23 पर आते हुए उसको 4 हाफ लाइफ उसको लगी हैं. तो अगर एक हाफ लाइफ अगर आपके पास 10 मिनट्स की होगी सो इट मींस कि आपके पास 4 हाफ लाइफ जो होंगी वो एग्जैक्टली 40 मिनट्स की ही बनेंगी. सो नाउ टाइम टेकन टू रीच 23 काउंट्स, तो एक हाफ लाइफ जो है वो आपके पास 10 मिनट्स की, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी कि जो हमारे पास कितनी बनी है 4 हाफ लाइफ. ठीक है, सो यहां पर आपके पास एक हाफ लाइफ 10 मिनट्स की जबकि 4 हाफ लाइफ अगर हुई है तो टोटल टाइम को कितना लग जाएगा 4 मिनट्स. ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, जो कि हमने रिक्वायर्ड वैल्यू से फाइंड आउट करनी थी कि आपके पास के एक हाफ लाइफ उसकी 10 मिनट्स की है यानी कि हर 10 मिनट्स के बाद उसका काउंट रेट जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि 360 का हाफ 368 का हाफ, फिर जो रिमेनिंग 184 वैल्यू बनी थी उसका अगेन हाफ करते करते आपके पास जो है फोर्थ हाफ लाइफ कवर होंगी 23 तक पहुंचते पहुंचते, जबकि तो हमने यही फाइंड आउट करना था कि 23 तक पहुंचते उसको कितना टाइम लगेगा. तो वो एक हाफ लाइफ अगर 10 मिनट की है तो 23 में आपके पास 4 हाफ लाइफ कवर हो रही है, सो इट मींस कि 10 फोर्स आपके पास कितनी हाफ लाइफ होगी 40, कितना टाइम लग गया आपके पास 40 मिनट्स आपके पास लगे कि उसकी काउंट रेट 368 से कम होकर 23 पर आगे पास आ गया है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ एन रेडियोएक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेंड, कि आपके पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट था उसके ऊपर आप जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि आप उसकी हाफ लाइफ मेजर कर सकें. तो उसके बेस पर हमारे पास जो रिजल्ट जो निकले हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इनिशियली उसका काउंट रेट जो है वो 400 से स्टार्ट होता है, लेकिन 2 मिनट्स गुजरने के बाद उसकी एग्जैक्टली हाफ लाइफ जो है वो अकर हो जाती है. ठीक है, यानी कि टू आपके पास जो है 200 उसका काउंट रेट हो जाता है, और अगेन आपके पास 4 मिनट्स जब गुजरते तो उसका काउंट रेट आपके पास 100 हो जाता है, और फिर अगेन 6 मिनट्स के बाद उसका 50, और अगेन 8 के बाद आपके पास 25. सो ये तो वैसे कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास जो है वो एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है कि हर 2 मिनट के बाद जो है आपके पास जो है उसकी हाफ लाइफ जो है वो अकर
हो रही है. सो दैट्स व्हाई हम यहां पर चूंकि हमने जजमेंट्स नहीं क्रिएट करनी, हमने अजम्पशंस के बेस पर नहीं चलना, हमें इसको प्रॉपर कैलकुलेशंस के बेस पर करना है. तो कहते हैं प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड द टाइम मिनट्स. आपने कहते हैं आपने ग्राफ ड्रॉ करना है अपने काउंट रेट के बीच में और अपने टाइम इन मिनट्स के बीच में. मेजर द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ. और हमने ग्राफ में से जो है हमने एलिमेंट की हाफ लाइफ को एक्चुअली में मेजर करना है. सो ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा. ये आपके पास टाइम का एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, काउंट का एक्सिस है, ठीक है. आपके पास काउंट रेट्स हैं वो 0, 25, 50, 100, 200, 400 और इस हिसाब से आपके पास टाइम वेरिएशन 2, 4, 6 और 8 मिनट की वेरिएशन आपके पास यहाँ पर आपको नजर आ रही है. अब चूंकि आपके पास हाफ लाइफ जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होनी है और आपके पास कंटिन्यूसली डिक्रीज होना है टू द डाउनवर्ड, क्योंकि आपके पास हमेशा हाफ लाइफ जो है आपके पास अमाउंट को हमेशा डाउन करती है, ना कि इंक्रीज करना. ओके, तो यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ आपके पास जो होगी 400 से 200 के बीच में होगी और सेकेंड हाफ लाइफ आपके पास 200 से कहाँ पर होगी, 100 के बीच में. तो हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, आप भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. मैंने एक पॉइंट ले लिया आपके पास यहाँ पर, लेट्स ये पॉइंट ए मैंने कंसीडर कर लिया जिसके ऊपर उसका काउंट रेट 100 है और आपके पास नंबर ऑफ हाफ जो उसका टाइम लगा वो आपके पास क्या लगा, 4 मिनट्स का, ठीक है. यानी इसमें हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी कवर हुई है, 2 हाफ लाइफ कवर हुई है, जिसकी रिजल्ट में हमारे पास काउंट रेट कितना बच चुका है, 100 काउंट रेट उसका डिक्रीज यानी कि बच चुका है, रिमेन बच चुका है आपके पास, ठीक है. अब हम यहाँ से करने क्या लगे, हम यहाँ से देखने जा रहे हैं कि आपके पास उसका एक्चुअली हाफ लाइफ उसकी क्या है. तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे कि आपके पास जो टाइम टेकन है, ठीक है, इक्वल टू आपके पास होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितनी होंगी उसकी एग्जैक्टली नंबर ऑफ हाफ लाइफ. एंड यू कैन से कि हमारे पास यहाँ से उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है फर्दर, आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ के साथ साथ आपके पास जो है यहाँ पर उसकी एग्जैक्टली एक उसकी हाफ लाइफ जो होगी वो कितने मिनट्स की हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी, वही एक्चुअली हम यहाँ से फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि आपके पास हाफ लाइफ जो है वो क्या होगी जो हमने कैलकुलेट करनी है. तो टाइम टेकन आपके पास यानी कि 2 हाफ लाइफ में टाइम टेकन उसको कितना लगा है, एक्चुअली में 4 मिनट्स का लगा है. सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी कवर हुई है, यहाँ से 2 हाफ लाइफ कवर हुई है और हाफ लाइफ ही हमने एक्चुअली यहाँ से क्या करनी है, फाइंड आउट. सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पर आगे 4 के सामने क्या कर दिया, डिवाइड. तो यहाँ पे आपके पास हाफ लाइफ जो होगी वो एज रिजल्ट कितनी आ जाएगी उसकी, 2 मिनट्स, जो कि हमें वैसे भी ग्राफ के अंदर ऑब्जर्व हो रही थी हमें वैल्यू, ठीक है, कि आपके पास कंटिन्यूसली जो टाइम लग रहा है वो 2 मिनट्स का ही आपके पास यहाँ पर गैप मौजूद है, ठीक है. तो आपके पास ग्राफ की मदद से हमने क्या किया कि आपके पास हमने कंसीडर किया कोई भी पॉइंट जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमने देखी कितनी हाफ लाइफ है, एक हाफ लाइफ और दूसरी हाफ लाइफ के बाद आपके पास काउंट रेट जो था वो 100 बच रहा है और 100 पे आते हुए आपके पास टाइम कितना लग रहा है, उसको 4 मिनट्स का लग रहा है. सो दैट्स व्हाई टाइम टेकन हमारे पास 4 मिनट का होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास 2 है, ठीक है, और आपके पास एक हाफ लाइफ कितने टाइम की होगी, ठीक है. ये एक सिंपल फार्मूला हमने पहले भी हमने इसको यूज किया है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ को अगर उसकी हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाता है कि कितना टाइम लगेगा उसको एक्चुअली डिक्रीज करने में या कितना टाइम उसको लगा है, सही. तो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद हमें पता लगेगा कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो एक्जैक्टली 2 मिनट्स है. तो ये आपके पास न्यूमेरिकल, स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सो स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास इस एक्सरसाइज का है वो कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 इयर्स. आपके पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ आपके पास जो 1500 इयर्स है इफ इट हैज एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट्स पर आवर. यानी कि एक घंटे में उसके पास जो काउंट रेट पर आवर है वो आपके पास 32,000 काउंट रेट है. ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय काउंट रेट. सो एट द प्रेजेंट टाइम देन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस सैंपल. हमने क्या करना है, हमने ग्राफ प्लॉट करना है विद सैंपल ओवर द पीरियड इन विच इट विल रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू. के आपके पास उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट का कितना रह चुका है, 1/16 रह गया उसकी ओरिजिनल अमाउंट, यानी कि 32,000 काउंट रेट का 1/16 पार्ट आपके पास जो है वो रह चुका है. और हमने यहां से देखना है कि एक्चुअली आपके पास उसकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास यहां पर कितनी अकर होने वाली है. मैंने आपके सामने एक छोटा सा टेबल बनाया है कि आपके पास काउंट रेट्स नजर आ रहे हैं और आपके पास हाफ लाइफ नजर आ रही है. 32,000 से एक्चुअली उसका काउंटेड स्टार्ट हुआ है तो वहां पर आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ 0 होंगी. जब पहला आपके पास काउंट रेट रिड्यूस होगा 32 से 16,000 पर तो फर्स्ट हाफ लाइफ अगर होगी 16 का हाफ हो जाएगा 8 तो सेकंड हो जाएगी, 8 का हाफ हो जाएगा 4 तो 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी और अगर आपके पास 4 का हाफ हो जाएगा तो आपके पास कितनी हो जाएंगी, 4 हाफ लाइफ आपके पास अकर हो जाती हैं. क्योंकि आपके पास 1/16 रेशियो जो है वो एक्चुअली आपके पास 4th हाफ लाइफ के बाद आपके पास अकर होती है, ठीक है. सो 1/16 रेशियो जो है, अब यहां से एक्चुअली आपके पास टेबल एक मैंने प्रॉपर ड्रॉ कर लिया है. फॉर एग्जांपल मैंने 4 हाफ लाइफ तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है. तो हमने यहां पे सिंपल चेकआउट करना है कि 1/16 तक पहुंचते एक्चुअली उसके पास जो है वो कितने हाफ लाइफ जो होंगी वो अकर होने वाली है एक्चुअली में उसके पास. तो स्टार्ट करते हैं. आपके पास यहां पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया आपके सामने
जो कि एक्चुअली इसी टेबल की को रिप्रेजेंट कर रहा है 32,000, 16,000, 18,000, 8,000, 4,000, 2,000 स्टेप बाय स्टेप उसकी ओरिजिनल अमाउंट का एग्जैक्टली हाफ होता जा रहा है. तो फर्स्ट हाफ लाइफ पे 16 हो जाएगा, सेकंड आपके पास 8 हो जाएगा, थर्ड आपके पास 4, और इस तरह से फोर हाफ लाइफ आपके पास कितना हो गया 2,000. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा गिवन है वो डेटा हमारे पास जो यहाँ पे एक्चुअली हाफ लाइफ उसकी जो है यानी कि टी ऑफ हाफ आपके पास जो है उसकी 1500 ईयर्स है. उसके अलावा हमारे पास यहां पर उसका इनिशियल काउंट रेट गिवन है जो कि हमारे पास कितना है 32,000 पर आवर, काउंट्स पर आवर. ओके, सो फर्दर अगर हमने सेकंड हमने यहां से फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ उसमें कितनी होंगी. सो फाइंड आउट हमारे लिए यहां पर जो होगा फाइंड आउट करने वाला फैक्टर आपके पास जो यहां पर है आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ. ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ओरिजिनल रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ इट्स 2 रेस टू पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, 2 की पावर n मिनट से के नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास यहां पर जो होंगी वो काउंट होंगी. ओके, एंड जो है आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है मीन टू से कि आपके पास जो ओरिजिनल काउंट रेट है वो 32,000 है और उसकी 1/16 रेशो रह चुकी है यानी कि 1/16 आपके पास जो है वो रिमेनिंग बच गया है. तो मैं 32,000 को 16 पर डिवाइड करूंगा जो कि हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट होगी. एंड नोट जो आपके पास इनिशियल काउंट रेट है जो कि आपके पास कितना था 32,000 और 1/2 रेस टू पावर हम एन जो एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये आपके पास 32,000 से 32,000 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/16 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू पावर एन. तो ये आपके पास होता है 1/2 रेस टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 1/2 रेस टू पावर एन. सो एज ए रिजल्ट बेस सेम हो चुकी है तो पावर आपके पास क्या हो जाएगी सेम. तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो अकर होने जा रही हैं वो आपके पास कितनी हो रही हैं 4 होंगी. क्यों? क्योंकि 1/2, 1/4, 1/8 इससे यानी यहां से स्टार्ट करेंगे आगे पास यहां पर हो जाएगी हाफ हो जाएगी अगेन फिर 1/4 हो जाएगी यहां पर 1/8 इससे आपके पास 1/16 आपके पास जो होगी वो रेशियो यहां से हमारे पास रिमेनिंग बचेगी. तो आपके पास मैंने ग्राफ भी ड्रॉ किया जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने यही चीज बताई है किस तरह से आपके पास इनिशियल काउंट रेट से फोर्थ हाफ लाइफ अकर होने तक आपके पास काउंट रेट जो है वो कितना रह रहा है एक्चुअली 2000 काउंट रेट रह रहा है. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सो स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास है वो कहता है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट वाज फाउंड टू बी 4000 इयर्स. एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ आपके पास 4000 इयर्स पता लगी है. द काउंट रेट्स पर मिनट फॉर 8 सक्सेसिव आवर्स यानी कि 8 घंटे तक आपने कंटिन्यूसली इसको ऑब्जर्व किया है वर फाउंड टू बी जो उसका काउंट रेट था इनिशियल काउंट रेट आपके पास 270 था फिर 280 हो गया फिर 300 फिर 310 फिर 285 290 305 एंड 312. ये आपके पास 8 सक्सेसिव आपने रिकॉर्डिंग्स ली हैं 8 घंटे के हर एक घंटे के बाद कंटिन्यूसली 8 घंटे तक. व्हाट डज द वेरिएशन इन काउंट रेट शो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट आपने काउंट रेट के ऊपर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है एंड टाइम इन आवर्स वाई द ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन नेचर देन एक्सपोनेंशियल यानी कि आपके पास ये वेरिएशन क्यों नहीं आई डिक्रीज क्यों नहीं हुआ या इंक्रीज क्यों नहीं हुआ इस तरह की वेरिएशन आपके पास ग्राफ में क्यों नहीं आई. वो कह रहे स्ट्रेट लाइन क्यों है अगर हमारे पास ये ग्राफ ड्रॉ किया जाए कि आपके पास पहली जो वैल्यू है वो 270 280 300 310 285 तो क्योंकि यहाँ पर आगे पास एक्चुअली ग्राफ अगर मैंने ड्रॉ किया है तो आपको नजर आ रहा है कुछ पॉइंट्स आगे पास लाइन के ऊपर है जबकि कुछ पॉइंट्स लाइन के नीचे है. एक्चुअली इसकी मेन रीजन आपके पास यही है कि इसकी हाफ लाइफ 4000 ईयर्स और 4000 ईयर्स के हिसाब से हम सिंपल इसको एक एक घंटे के हिसाब से मेजर कर रहे हैं तो ये एक कंपैरिजन बनता नहीं है. सो दैट्स व्हाई आपके पास जब रेडियोएक्टिव डिके आपके पास हो रहा होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस भी चेन रिएक्शंस होते हैं जिसके आपके पास पार्टिकल्स की इंक्रीमेंटिंग भी नजर आती है उसके साथ साथ हमें पार्टिकल्स का डिक्रीजिंग फिनोमेना भी या डिक्रीजिंग बिहेवियर भी हमें उसमें दिखाई देता है क्योंकि आपके पास 4000 ईयर्स के बाद उसने एक्चुअली हाफ होना है बट हम उसको इन आवर्स हम उसको चेकआउट कर रहे हैं तो इट मींस कि वहां पर आपके पास कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होंगे जो जिसकी वजह से आपके पास पार्टिकल्स में काउंट रेट्स में उसका इजाफा भी होगा जबकि उसके काउंट रेट्स में डिक्रीजन भी हमें नजर आएगी. तो ये सिंपल आपका न्यूमेरिकल जिसके अंदर हमें सिंपल ग्राफ की बेस पर डिस्कशन करनी थी काउंट रेट्स और आपके पास जो थी वो हाफ लाइफ या आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि टाइम जिसके ऊपर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. स्टार्ट करते हैं ओके स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल और आपकी सक्सेस का जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि एशेस फ्रॉम अ कैंप फायर डीप इन अ केव शो कार्बन 14 एक्टिविटी. आपके पास एक कैंप फायर था किसी केव में लगाया गया था जो कि एक्चुअली उसकी एक्टिविटी जो है ओनली 1/8 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द फ्रेश वुड यानी कि उसकी जो रिमेनिंग ओरिजिनल अमाउंट की जो रिमेनिंग रेशियो बच गई है वो एक्चुअली 1/8 है
यानी कि वहां पर आपके पास जो लकड़ियां जलाई गई थी एक्चुअली वो आपके पास अब कार्बन में चेंज हो चुकी हैं, बट वो कार्बन में चेंज हुए होते हुए उनकी जो ओरिजिनल अमाउंट की कितनी बच चुकी है, 1/8 पार्ट उनका रह चुका है। हाउ लॉन्ग वॉज दैट कैंप फायर मेड, कितनी देर पहले वो कैंप फायर आपके पास लगाया गया था, ये हमने एक्चुअली यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे हाफ लाइफ आपको पता होनी चाहिए है कि कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो आपके पास कितनी है, 5730 ईयर्स, ठीक है। और रिमेनिंग रेशियो आपके पास जो है वो कितनी है, रिमेनिंग रेशियो आपके पास जो है वो उसकी 1/8 है। तो 1/8 रेशियो तक पहुंचते हुए आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी लग सकती है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास 3 नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास यहां पर होंगी। सो दैट्स व्हाई एज अ रिजल्ट आपके पास यहां पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास हो जाएंगी 3 नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 होंगी, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो जो कि आपके पास कितना बनता है, 1/8 बनता है। तो आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहां पर कितनी हो जाएंगी, 3 नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास यहां पर अकर होने वाली है। तो हमने यहां से जो फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड आउट करना है टाइम, कि उसको कितना टाइम लगा या कितने टाइम पहले हमने उसको बर्न किया था। सो हमारे पास एक हाफ लाइफ, यानी कि हमें पता है कि उसकी 1/8 रह गई है, तो इट मींस कि 3 हाफ लाइफ अगर हो चुकी हैं, और अगर एक हाफ लाइफ आपके पास 5730 साल की है तो इट मींस कि 5730 ईयर्स को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली उसका टाइम पता लग जाएगा कि वो कितनी देर पहले हमारे पास जो थी वो बर्न की गई थी। यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय टी ऑफ हाफ जो कि आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5730 ईयर्स है, जो कि ऐसे अगर कैलकुलेट करें तो आपके पास कितना बनता है, 1790 ईयर्स। यानी कि आपके पास जो टोटल टाइम लगा या कितने टाइम पहले आपके पास वो बर्न की गई थी, आपके पास 1790 ईयर्स है। सो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था आपके पास, आई होप सो कि आपके जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन है और अगर आपको कहीं पे इशू है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, आई होप हम नेक्स्ट जो है बीटा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स की अगेन से, और मे बी इन नोट्स जो है वो आपके पास अपकमिंग है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।